भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा है कि राज्य के अंदर जब से हेमंत सरकार आई है तब से राज्य की तमाम जातियों के ऊपर प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि भूख से हुई मौत के पीड़ित भूखल खासी और उनके परिवार को 1.5 साल से भी अधिक समय से न्याय नहीं मिला है। 1.5 महीने पहले जामताड़ा के चिरुडीही के तुरी परिवार के साथ घटना घटी है। अल्पसंख्यक समाज ने तुरी परिवार की जमीन हड़प ली। मोर्चा ने लड़ाई लड़ी और राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष दौरे पर आकर मामले की जांच करते हैं और फिर घटना को वो सही पाते हैं। वहीं जिस पर आरोप था उसके ऊपर आयोग के आने से पहले केस दर्ज होता है लेकिन अपराधी की गिरफ्तारी फिर भी नहीं होती। पीड़ित परिवार रैन बसेरे में रहने को मजबूर है। अमर कुमार ने कहा कि साहिबगंज के दिनेश पासवान की SDO कार्यालय के समीप की पुश्तैनी जमीन को पंकज मिश्रा ने हड़प ली। पंकज मिश्रा ने जमीन हड़प कर अपना आलिशान मकान बनवा दिया है। दिनेश पासवान को पहले तो गलत केस में फंसा दिया गया। वो कहते हैं कि दलितों की जमीन को हड़पने जैसी घटना दर्शाता है कि राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो गई है। दलित आज निराश है और अपनी जान की रक्षा के लिए लड़ रहा है। मोर्चे की मांग है कि दलित परिवार पर कोई आंच नहीं आए, इसके लिए सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अमर बावरी ने सीधे सीधे हमला बोलते हुए यहां तक कहा कि मौजूदा सरकार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि हेमंत सरकार की तरफ से इस मामले में क्या कुछ कहा जाता है। ITP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।